The reason for filing the affidavit is already mentioned in the affidavit itself as to why I felt constrained to bring certain facts to the notice of the Supreme Court. That is mentioned in the affidavit itself. But sir, आपने 27 फरवरी 2002 की मीटिंग की जो बात की, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बता सके, आप उस मीटिंग में थे, उसमें और कौन कौन था और क्या बातें? मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि आई अटेंडेड दैट मीटिंग एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर. तो मुझे जो कुछ बताना था मैंने SIT को बता दिया है और बाकी चीज़ें मैंने सुप्रीम कोर्ट के ध्यान पे ला दी है. तो मीटिंग में कौन था, क्या चर्चा हुई थी, वो मैं बताना उचित नहीं समझता. अच्छा, कितनी देर चली थी ये तो बता? मैं वो नहीं बता सकता, आई एम सो सॉरी. कितने लोग थे? मैं नहीं बता सकता बिकॉज आई अटेंडेड दैट एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर. आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफ दोस फैक्ट्स. ये सवाल है कि इतना समय बाद आप जो है सो क्यों, आप थोड़ा पहले इसकी नौबत कोई आई थी या नहीं जब आप बता सकते थे? मैं 2002 सितंबर तक IB में था और उसके बाद मेरा वहाँ से तबादला हुआ था. उसके बाद 2009 तक मेरे को ना कोई कोर्ट ने, ना कोई कमीशन ने, ना कोई एजेंसी ने बुलाया था. 2009 में पहली बार SIT ने मेरे को बुलाया और मेरे से बातचीत की. तो तब मैंने उनको जो कुछ बताना उचित समझा था, जितना मैं बता सकता था मैंने उनको तब बता दिया था. NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. NDTV.com/apps.